नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है, मैं हूँ विपुल सिंह और आप सभी दर्शकों को गुड़ी पूर्वा हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज से नवरात्र शुरू हो रहा है और इस बीच पहला जो है जो दिन जो लगातार दूसरा दिन ऐसा है जब बाज़ार नया हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी ने जो आज नया उच्चतम स्तर बनाया है वो है 22,767 का। जी हाँ, काफ़ी शानदार जो है मुंह आज देखने को मिला। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 22,765 पे खुला, 22,768 का हाई बनाया और लो बना है थोड़ी देर पहले जो बना है 22,668 का और अभी 22,688 यानी कि आज के इंट्राडे लो से 20 अंक ऊपर इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। इतनी ज़्यादा तेज़ रैली के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली लाजमी भी है, लेकिन अभी भी अगर हम देखें ऊपरी स्तरों से बाज़ार फिसला है और उसमें हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो थोड़ा सा बियर्स के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 1104 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं और 1278 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन बनता भी है, लेकिन आज जो तेज़ी देखने को मिल रही है जिन सेक्टर्स ने आज बाज़ार को मजबूती दी उसमें हम देख रहे हैं रियल्टी, मेटल का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए और मेटल शेयरों की चमक और कितना चमकेगी, इन्हीं तमाम सारे पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे। बाज़ार कब तक कंसोलिडेट करेगा, ये तमाम विषय रहेंगे जो अगले एक सवा घंटे तक हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नई नई ऊंचाइयां हर रोज़ बाज़ार छू रहा है, बहुत लोगों को डर भी लग रहा है, बहुत लोगों को लग रहा है कि नहीं ठीक है, चौथी तिमाही के नतीजे हैं, सामने चुनाव है, तो बाज़ार की ये तेज़ी लाजमी है। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे और क्या ये तेज़ी टिकाऊ लग रही है आपको? देखिए, जो आपने इमोशंस कैप्चर किए हैं वो सही है। जब आप ऊपर चढ़ते हो, माउंट एवरेस्ट के नज़दीक आते हो, तो डर तो लगना अवश्य है। नई ऊंचाइयों में, जैसे कहते हैं, इतिहास आपके साथ नहीं है, सब नई टेरिटरी है, तो और डर लगता है। नतीजे सामने हैं और आज एक पेपर में एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये कहा गया है कि निफ्टी की जो कंपनियां हैं शायद उनमें जो प्रॉफिट की ग्रोथ आएगी ब्रोकरेज के रिपोर्ट के बेस के ऊपर जो अनुमान लगाते हैं ब्रोकरेज हाउसेस, वो शायद पिछले 6 या 7 तिमाही में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ होगी। मान लीजिए ये सच निकलता है तो ये एक बाजार के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म जो अगले 1.5 महीने हैं जिसमें नतीजे बाजार में कंपनियों के भी आएंगे और 2 महीने खत्म होते होते चुनाव के भी आएंगे, शायद ये एक टेस्टिंग टाइम होगा मार्केट के लिए। और इस बीच सर, कार्यक्रम शुरू होने से पहले कम से कम सैकड़ों की संख्या में सवाल आ चुके हैं। अब आज कितने सवालों को हम एड्रेस कर पाएंगे और कितने लोगों को आप उत्तर दे पाएंगे अब ये देखना होगा, लेकिन ये है कि दर्शक आपसे कितना प्यार करते हैं ये दिखाता है। और पहला प्रश्न लेते हैं मानसी कुमारी जी का, और मानसी जी कह रही हैं प्लीज़ सर आज मेरा सवाल ले लीजिए, और कह रही हैं कि मैं कितने दिनों से क्वेश्चन भेज रही हूँ लेकिन मेरा सवाल नहीं लिया जाता है, आज ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं मैम। और इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने 1000 शेयर NHPC के लिए हुए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मुझे लगता है 1 महीने तो हो गए होंगे कि शायद ही कोई दिन हो जिस दिन 10-12 सवाल ना आते हों इसको लेकर के, और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 81 रुपये पे। तो ये अच्छी बात है कि बाज़ार गिर रहा था तब जब इसमें PSU शेयरों में दबाव देखने को मिला तब इन्होंने लिया था, और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं 1 साल तक इसे अभी होल्ड कर सकती हूँ। तो 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं सर, 81 पे लिया है, 91-92 का भाव है, 10 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं, साल भर का नज़रिया है। ओवरऑल आपका व्यू जानना चाहेंगे पावर सेक्टर के ऊपर, खासतौर से NHPC के ऊपर, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने लिया हुआ है, जैसे ये प्रॉफिट में है, आपकी सलाह क्या होगी? विपुल जी, हर बार देखा जाता है कि पावर क्षेत्र में, खास करके सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं NTPC, NHPC, SJVN, ये सब पे सवाल आते हैं। ये सवाल आए उसके पहले थोड़ा सा मैं एक स्पष्टीकरण दे देता हूँ। देखिए, शेयर बाजार में शेयर एक चाल चलता है, ऊपर जाता है, फिर उस पर करेक्शन आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन आता है, ये हमेशा होता रहेगा चाहे वो कोई भी शेयर हो। बहुत ही कम ऐसे शेयर होंगे जो एक साइड ही चलते हैं।
इस शहर में भी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद जो करेक्शन आया वो तीन हिस्सों में आया और अब शेयर वापस ऊपर की तरफ थोड़ा सा चल रहा है। तो शेयर एक सीमित दायरे में घूमता है। आपको ये देखना है कि आप कभी भी ऊंचे के स्तर पे न फंसे। अगर आप ट्रेडिंग जोन भी करना चाहते हैं, ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो आपको शेयर एक अच्छा खासा पैसा देगा। एक चीज ध्यान में रखिए कि जब आप कहते हो कि मैं एक साल के लिए निवेश करना चाहता हूं या तीन साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, उसी शेयर में निवेश हो ये जरूरी नहीं है। जब आपको लगता है ये शेयर में अच्छी चाल हो गई है तो शेयर बेचकर कुछ और खरीद लीजिए, लेकिन जरूरी ये है कि आपका पैसा बाजार में निवेशित रहे। अगर पैसा निकल जाता है तो पैसे खर्च हो जाते हैं और आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती। तो ये राय आप लोगों के लिए निकल करके आ रही है। इस बीच राजपाल सिंह रविवंशी जी कह रहे हैं, विपुल जी जय माता दी। जय माता दी राजपाल जी, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब नेहा आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रश्न पूछने के लिए। नेहा जी को नमस्कार। नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार नेहा जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी सर मैं न्यू दिल्ली से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। और सर मेरा सवाल केपीआईटी टेक पे है। अच्छा। मेरे पास केपीआईटी टेक के 50 शेयर हैं जो मैंने 1586 के प्राइस पे लिया था। अच्छा। और मैं एक दो महीने होल्ड कर सकती हूँ सर, तो उसमें क्या सजेशन है कि मैं होल्ड करूँ या सेल ऑफ करूँ उसको? चलिए थोड़ा सा जो है सेंटीमेंट जो है वो आईटी के पक्ष में फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। आज हालांकि रिकवरी है आईटी शेयरों में, लेकिन उतनी तेज रिकवरी केपीआईटी टेक में नहीं है। 4.5% ऊपर यहाँ पर कामकाज कर रहा है और आपने 1586 पे लिया हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हो रहा है, अभी 1500 के आसपास चल रहा है। अरुण जी क्या सलाह रहेगी केपीआईटी टेक को लेकर के? सुखी नज़रिया इनका लंबा है नहीं बहुत ज़्यादा, एक दो महीने तक ही ये होल्ड कर सकती हैं। अब नतीजों का दौर 12 तारीख से शुरू हो जाएगा जब दिग्गज कंपनियों के नतीजे आईटी के आने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए केपीआईटी की जो चार्ट है उसमें एक पॉजिटिव निशान मिला है। शेयर ने अपने जो एवरेजेस है उसके ऊपर सपोर्ट लिया है और अगर ये सपोर्ट टूटता नहीं है और नतीजे ठीक ठाक आ जाते हैं दिग्गज आईटी कंपनी के जो पिछले तीन तिमाही से खराब थे, कहीं पर भी वो टर्न अराउंड के संकेत अगर देने लगते हैं तो ये शेयर में जो आप 100 रुपए की चाल चाहिए इनके नफे नुकसान से नफे में आने के लिए 6% होता है वो आ सकता है। मेरे ख्याल से एक दो महीने में जब भी इनकी खरीद के ऊपर ये शेयर चला जाता है आईटी पैक को देखकर ये इसमें से निकलने का सोच सकते हैं, क्योंकि नजरिया छोटा है। ये जो कहते हैं छोटा प्रॉफिट लेके भी अगर निकल सकते हैं, निकलने की संभावना बनती है तो निकल जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब भी आपके भाव या भाव से थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप निकल जाइए, चूँकि नज़रिया आपका छोटी अवधि का है तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच जो है अगले दर्शक हार्दिक पटेल जी हैं, कह रहे हैं सर आज मेरा सवाल ले लो प्लीज़। बिल्कुल ले लेते हैं सर। वेदांता या फिर वेदांता और नालको का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस बता दीजिए, कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ पर फिर से एंट्री बनती है, वापस कहाँ पर एंट्री की जाए ये बता दीजिए। अब आपने ये तो लिखा नहीं है आपने किस भाव पर लिया हुआ है। आज इधर दो तीन दिन से तो नालको हो या कोई भी शेयर हो मेटल का वो सब चमक ही रहे हैं और अच्छे खासे चमक रहे हैं। आज भी 2.5% से ज़्यादा की तेजी नालको के शेयर में देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में करीब 5-6% चल चुका है, एक महीने में 16% के आसपास 15% के आसपास का रिटर्न। ये देखिए चार्ट्स कितना शानदार यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी भी आपकी मेटल पैक की ही है, वेदांता के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। वेदांता में आज 4% की तेजी है। अब एंट्री सर 2-4 दिन के अंदर तो काफ़ी शानदार मूव आ चुका है, अब एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये जरा हम अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण सर मेटल पैक ने काफ़ी परेशान किया, लंबे समय तक परेशान किया और अब शानदार मूव यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान। ये रैली कितनी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है आपको? और वेदांता और के ऊपर ये जो है स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं और नालको के ऊपर स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? विपुल जी अगर आप देखें तो वेदांता जो है 200
270 रुपए से चला है, और ये चला है आप समझिए पिछले 10 कारोबारी दिन में। इतनी शानदार रैली होने के बाद में अगर ये एंट्री लेवल खोज रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस बार की तो रैली इनसे छूट गई है। अब शेयर को करेक्ट होने के बाद जब भी ये वापस एक अच्छा खासा करेक्शन देता है तभी इन्हें इस शेयर में निवेश करने का सोचना चाहिए। फिलहाल ये भूल जाएं ये शेयर और कोई शेयर में मेहनत करे वो ज्यादा इनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर ये शेयर को चेस करके एंट्री करेंगे तो हो सकता है इनकी भी संख्या उनमें से जुड़ जाएगी जो ये पूछते हैं कि मैं इस भाव में शेयर लिया था, अब ये शेयर करेक्शन में है, अब मैं क्या करूं। जहां तक जी नेशनल एल्यूमिनियम का सवाल है, इसमें भी शानदार मूव हुई है। पिछला जो हाई था उसको भी काफी जोर से या काफी बहुत बड़ी मूवमेंट आई है। इसमें ऑलरेडी अगर आप देखें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन शुरू हुआ है, थोड़ा साइडवेज मूव है। इसमें करेक्शन कुछ हो जाए 3-4 दिन का तब इसमें एंट्री करने का सोचा जा सकता है। ठीक है। और इस बीच अगले दर्शक हैं हमारा भारत महान के नाम से, इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है। कह रहे हैं विपुल सर जय माता दी, जय माता दी आपको भी सर, आपका शुभ नाम पता नहीं है। कह रहे हैं कि सर आज प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, मेरे पास टाटा स्टील के 100 शेयर हैं 151 रुपये 90 पैसे के भाव पर, मुझे अभी क्या करना चाहिए, लंबे समय तक रुक सकता हूँ। ये आज का तीसरा चौथा सवाल है मेटल के ऊपर, और ये होता है जब शेयर चलने लगते हैं तो हम देखते हैं कि कब बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल जो है वो आने लगते हैं। वही हाल PSU का रहा और अब मेटल चल रहा है तो मेटल में भी देखने को मिल रहे हैं। 167 के आसपास इन्होंने लिए, 167 168 166 80 का भाव अभी देखने को मिल रहा है सर, और इनकी जो खरीद का भाव है वो 151 रुपये के आसपास का है, तो प्रॉफिट में है ये। नज़रिया 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, खैर इतना लंबा नज़रिया अब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से एक है, अभी 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, सुबह ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी। टाटा स्टील सर यहाँ पर भी अच्छी रैली, मेटल पैक की तेज़ी का असर यहाँ पर भी, आपकी राय? देखिए शेयर एक अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है और ये अप ट्रेंड आप समझिए 6-8 महीने से बरकरार है, छोटे मोटे करेक्शन आते रहे लेकिन अप ट्रेंड जारी है। अगर ये निवेशित रहना चाहते हैं तो अवश्य रहें लेकिन छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। ये ध्यान में रखें कि मेटल पैक इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस को लेकर भी अफेक्ट होता है और विश्व भर में जो कई देश में ये देखा जाता है कि अभी तक स्टेबिलिटी आई नहीं है। भारत और अमेरिका में जो फिलहाल इकोनॉमी का हाल है वैसी हाल बाकी देशों में नहीं है, तो इंडिया यूएस एक अलग दर्जे पर है जबकि बाकी विश्व भर में कई जगह एक स्लोडाउन देखा जा रहा है, एक जिसे कहते हैं ग्रोथ नहीं आ रही। तो निवेशित रहिए, शेयर में अभी फिलहाल अप ट्रेंड है। अगर आप ज्यादा चिंता अगर आपको होती हो तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें अपना ट्रेड जारी रख सकते। जी तो चलिए होल्ड करिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ी घबराहट हो रही हो तो। चलिए संदीप जी से ज़रा बातचीत कर लेते हैं, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, पहले भी बात किया था एक बार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, कैसे लग रहा है कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छा है, रोज फॉलो करता हूँ सर थैंक आपका यू सर, कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया, सब बढ़िया। और बताइए क्या प्रश्न है आज का? सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने हिंद कॉपर लिया था 267 प्राइस में 25,000, तो अभी अच्छा वो ऊपर चल रहा है तो मैं अभी होल्ड करूँ या सेल करूँ? आज मैंने जो बजिंग स्टॉक्स निकाले हुए हैं मुझे लग रहा है सारे ही डिस्कस हो जाएंगे, क्योंकि अभी टाटा स्टील पे डिस्कशन हो गया और हिंदुस्तान कॉपर पे भी आपका सवाल आ गया, इस पे भी आज खबर मुझे डिस्कस करनी थी, लेकिन चलिए ठीक है, अब आपका प्रश्न आया है तो निश्चित रूप से इसमें हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छी तेज़ी मिली है, अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है, 267 पे लिए थे ऑलमोस्ट, मतलब जो है 100 रुपये पर शेयर का, 93 रुपये पर शेयर का आपको यहाँ पर मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर में मुनाफा बुक करें या फिर अभी वेट करना चाहिए।
काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है पिछले एक दिन के अंदर, आज जो है करीब 9% ऊपर है, पिछले एक महीने में करीब 35% की रैली आ चुकी है, पिछले 6 महीने में 150% का मूव इस शेयर ने दिखाया है। तो काफ़ी शानदार, हिंदुस्तान कॉपर मेटल पैक में अग्रणी है, जिस तरीके से कॉपर की कीमतों में और कॉपर की डिमांड में जो है इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका असर शेयर में देखने को मिल रहा है। अरुण सर, आपकी राय क्या रहेगी? 100 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं, अब ये थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि ऐसा ना हो मुनाफा कम हो जाए, तो एक बार जो मुनाफा देख लिया, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह देंगे या प्रॉफिट बुक करने की सलाह? एकदम एकदम ठीक कहा आपने, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो अवश्य रखिए, क्योंकि यही आपके मुनाफे को सुरक्षित रख सकता है। और जब भी आपको लगे कि भाई अब मैं खुश हूं, मेरे को जो मुनाफा हुआ है, तो आधा, खैर इनके पास 25 शेयर है तो आधा बेचकर भी कोई शायद मतलब नहीं होगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हटाकर आप शेयर बेच भी सकते हैं। ये ध्यान में रखिए कि कंपनी की चाल अच्छी है, तकनीकी तौर पर ये शार्प मूव जो आया है और भी ऊपर जाने की जगह है, लेकिन अगर आप एक बार कुछ और ऊपर जाकर बेचते हैं तो फिर जब घटा, इसमें जब शेयर घटता है तो आपको वापस लेने का भी शायद मौका मिल सकता है नीचे के भाव में। चलिए, इस बीच 525 से ज्यादा दर्शक हमें इस समय खाली यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे फेसबुक पे, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी से निवेदन है कि आप जिस भी माध्यम पे देख रहे हो, खासतौर से यूट्यूब पे देख रहे हो, तो लिंक को अपने परिवारजन, अपने सहयोगियों, अपने दोस्त मित्र यात्री जो हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी जो है वो पहुँच सके, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आजकल शेयर बाज़ार को लेकर के हो रही है, अलग अलग माध्यमों से लोगों को ठगने की कोशिश हो रही है। तो हम ये चाहते हैं आप तक सही जानकारी पहुंचे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो हमें भेजा गया है वो है अयांश प्रकाश जी की तरफ से। कह रहे हैं, विपुल सर प्रणाम, नमस्कार आपको भी। अयांश प्रकाश जी कह रहे हैं, मेरा नाम गणेश कुमार है सर, टाटा पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं सर, 122 शेयर हैं 390 रुपये के भाव पर, और इनके पास हिंदुस्तान कॉपर के भी शेयर हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर पे अभी डिटेल जो है डिस्कशन हुआ है सर, तो आप उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा, और कह रहे हैं कि क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए टाटा पावर में या फिर अभी होल्ड करूं, कृपया मार्गदर्शन करें। मेटल में तो अब सवाल आने लगे हैं, पर पावर में बहुत लंबे समय से सर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, पावर क्षेत्र की एक एक कंपनी पे जो है काफ़ी सारे सवाल आते हैं। आज भी टाटा पावर 3% ऊपर है, पावर क्षेत्र में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है, और इनकी जो खरीद है वो है 390 रुपये की, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो 428-429 का देखने को मिल रहा है, तो प्रॉफिट में है अच्छे खासे, क्या इनको भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह देंगे या प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? विपुल जी, जब जब शेयर में निवेश किया जाता है और आप ट्रेडिंग के हिसाब से लेते हो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेते हो, तो हर आदमी का एक एक्सपेक्टेशन होता है। मान लीजिए आपने ये सोचकर निवेश किया कि मुझे 10% मिल जाए तो मैं निकल जाऊंगा, अगर वो मिल जाता है तो निकल जाना चाहिए, अगर पूरा निकलने की हिम्मत न हो कि भाई अप ट्रेंड में है मैं क्यों निकलूं, तो कम से कम आधा बेच लो और बाकी में एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। तकनीकी तौर पे ये शेयर एक जो प्रीवियस हाई है उसको क्रॉस करने की चेष्टा करेगा, अगर वो क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो शायद थोड़ा सा और इसमें ऊपर जाने की संभावना रहेगी, रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, हो सकता है रिजल्ट अच्छा आए, उसको लेकर थोड़ी सी इस शेयर में और तेजी मिले। टेक्निकली शेयर में कहीं कोई वीकनेस नहीं है, फिलहाल अच्छा लग रहा है शेयर जी। इस बीच ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अगले दर्शक। ब्रजेश जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते ब्रजेश जी, कैसे हैं, कहां से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, आपका कार्यक्रम डेली देखते हैं, जैसे देख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ गया सर। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बरकरार रहे, आप ऐसे ही सूझबूझ के साथ निवेश कर रहे हैं। हाँ जी सर, यूपी बस्ती से बोल रहे हैं, बस्ती जिले से, यूपी से। अच्छा, बस्ती जिले से बोल रहे हैं आप, अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी उसी के आसपास से ही आते हैं सर, तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बताइए सर क्या प्रश्न है आज का? सर
सर मैंने पराग मिलके 40 शेयर लिए थे 249 के रेट पे, तो इस समय तो डाउन हुआ, तो क्या मैं होल्ड करूं या इस पे एवरेज कर सकता हूं? कब लिए आपने सर? लगभग एक मंथ हो गए सर। एक महीने हो गए आपको। हालांकि अगर हम देखें पराग मिल्क को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सवालों की थोड़ी झड़ी जो है वो ज़्यादा लगती हुई दिखाई दी है। अब कारण इसके पीछे नहीं मुझे पता कि वजह क्या है। 250-249 के आसपास की इन्होंने लिए हैं सर, और अभी जो है ये शेयर जो है 215 के आसपास चल रहा है। इस शेयर में दरअसल मूव तो काफ़ी शानदार देखने को मिला था, लेकिन अब काफ़ी तेज़ी के साथ करेक्ट हुआ है ये शेयर जो है। एक तरफा रैली में हमने देखा कि 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स के आसपास? क्या इनको होल्ड करना चाहिए? 280 तक गया था 12 फरवरी को, और उसके बाद से लगातार करेक्शन मोड पे है। 249 पर इन्होंने पिक किया है, आपकी राय? अगर आप देखें ये जब से शेयर आया है इसने बाजार को डिसअपॉइंट किया है, और अगर मैं एक जनरल टिप्पणी करूं तो ये जो डेयरी कंपनियां हैं महाराष्ट्र की, चाहे वो पराग हो, चाहे वो एक और कंपनी आई थी प्रभात, इन्होंने शेयर होल्डर को, शेयर धारकों को कभी कमा कर नहीं दिया। प्रभात डेयरी आने के बाद में कंपनी बिक चुकी है, कोई फ्रेंच कंपनी ने उसको खरीद लिया। पराग में भी जो मूव आई है, करेक्टिव मूव ऊपर गया था, उसमें कन्विक्शन नहीं था। हो सकता है कि कुछ फंसे हुए लोग उसको ऊपर लेके गए और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी भी अगर आप देखें तो फॉलिंग एवरेजेस के आसपास आकर शेयर अटका है, यहाँ पर उसे काफी रेजिस्टेंस है। इसमें कोई भी अपमूव आए तो मुझे लगता है इनको निकल जाना चाहिए। शेयर में जो कहते हैं कि चार्टिकली भी अच्छा नहीं लग रहा है और फंडामेंटली भी इस कंपनी में बहुत कुछ नहीं हो रहा। तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आ रही है। चलिए जरा चलते हैं अगले दर्शक के पास, और ये हैं हमारे साथ ध्रुव हलदार साहब, और ये हैं कोलकाता से। कह रहे हैं राधे राधे बोल सर। राधे राधे आपको भी ध्रुव जी। और कह रहे हैं इरेडा में क्या प्रॉफिट बुक कर लूं या फिर होल्ड करूं? 500 शेयर लिए हुए हैं 135 रुपये के भाव पर। तो हलदार साहब इरेडा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए। हम रोज़ ही इस शेयर पे चर्चा करते रहते हैं। आज 4% के आसपास की गिरावट आई है, और काफ़ी दिनों बाद ये गिरावट आई है। एक महीने में 18-19% ये शेयर चलता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में 178-179% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी ये प्रॉफिट में है, 135 पे लिया हुआ है, 30-35 रुपये इन्हें मिल रहे हैं, 167-50 का स्तर। सर क्या आज की गिरावट रिकवर होने का वेट करना चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट हो रहा है तो बुक कर लेना चाहिए? आपकी राय क्या रहेगी? मेरे हिसाब से आधा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और जो बाकी के जो शेयर बचते हैं उसमें आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। हो सकता है कि आज की गिरावट में अगर कुछ सुधार हो तो इनको कुछ और मिल जाए, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना। अगर ये शेयर नहीं बेचना चाहते हैं तो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि जो गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद जो रैली हुई है वो काफी हद तक एक तरह से रिट्रेसमेंट लेवल पर आई है, और वहां से शेयर रिट्रेस किया जी। तो ये राय फिलहाल निकल करके आ रही है, और आगे चलते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है नेहा जी की तरफ से। ये प्रश्न भेजा गया था लेकिन इस बीच शायद उनका प्रश्न मुझसे मिस हो गया कहीं। चले कोई बात नहीं, आगे चल करके दोबारा अगर उनका प्रश्न आएगा तो हम उनका प्रश्न ले लेंगे। इस बीच पूजा जी कह रही हैं एनएचपीसी में 1 साल तक होल्ड करूं या नहीं? एनएचपीसी पे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है मैम, और बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है, तो अगर आप वहाँ जाएंगी तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिलता हुआ मिल जाएगा। चलिए इस बीच जो है अगले दर्शक जो जिन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है वो कविता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पे। कविता जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, मैं आपका शो बहुत टाइम से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। मैंने बोल रही हूँ 500 जी, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। अच्छा लखनऊ से बोल रही हैं कविता जी, चलिए बहुत अच्छी बात है मैम कि आपने प्रश्न भेजा। मैंने आपका शो देखने के बाद ही शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अभी मुझे 6-7 महीने हुए हैं करीब।
और मैंने ट्राइडेंट के 500 शेयर 38 के रेट पर लिया है, तो मैं कब तक होल्ड करूँ इसको? ठीक है मैम, सबसे पहले तो आप नई निवेशक हैं, नई बाजार में उतरी हुई हैं, तो हम यही चाहेंगे कि निवेश करने की अभी सोचिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आप अभ्यस्त हो जाएंगी तब आप की विशेषज्ञता इसमें होगी। अभी आपने 38 पे लिया है, 40 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है, 2 रुपये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और आपने जो भी कहा कि आप कार्यक्रम को आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जैसे जो दर्शक हैं वो समृद्ध हों, शिक्षित हों, यही हमारी कामना है, और आप जैसे लोग निश्चित रूप से हमें एक नई ऊर्जा देते हैं। सर कितने समय तक इन्हें होल्ड करना चाहिए? आज 1.5-2% के आसपास की गिरावट अवश्य यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इनको 1-2 रुपये यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे नेहा जी, आपने कुछ सोचा है कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं आप? मैं होल्ड कर सकती हूँ जब तक रेट अच्छा ना मिले। जब तक रेट अच्छा ना मिले, चलिए ठीक है। सर पहला निवेश है इनका, और अभी नई नई निवेशक बनी है कार्यक्रम देखने के बाद, आपकी क्या सलाह रहेगी ऐसे नए निवेशकों को और खासतौर से कविता जी को? विपुल जी, शेयर ने अपने एवरेजेस पे सपोर्ट लिया है और ऐसा लगता है कि 46-47 का एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट इसमें आने की संभावना है। अगर ये शेयर 46-47 आ जाता है तो आप समझिए कि इन्हें करीब 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 एक 20% का इसमें रिटर्न मिल जाएगा, जहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना नया निवेश का जो जीवन है उसमें पहली सफलता लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैम कि ये यहाँ पर जो आपको सलाह दी गई है उसका आप ध्यान रखेंगी और सही तरीके से आगे भविष्य में निवेश करती रहेंगी, और कोशिशें कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं उनको सुनने की, क्योंकि बहुत ज्ञान मिलता है, हम लोग भी सीख ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को सुनिए। बहुत ज़्यादा टेलीग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे जो रिकमेंडेशंस आती हैं उनको बहुत ज़्यादा मत फॉलो कीजिए, उसमें कई बार लोगों को बहुत जो ट्रैप जैसा होता है, लोग वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, ऊपर ले जाते हैं शेयरों को, और फिर रिटेल निवेशक उसमें फंस जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है लेते हैं, और ये प्रश्न आया है गेल के ऊपर, इशिका जी ने भेजा है, कह रही हैं हेलो विपुल सर, हेलो मैम, कैसे हैं आप? कह रही हैं गेल अभी होल्ड करूं या सेल, इसके टारगेट क्या होंगे शॉर्ट टर्म के लिए? मैम शॉर्ट टर्म के लिए तो आपने पूछा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने किस भाव पे लिया हुआ है, आप लॉस में हैं प्रॉफिट में हैं, तो सवाल कोशिश करें कि थोड़ा डिटेल में अगर आप भेजेंगी तो जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी उतने ही डिटेल में बताएंगे। आज अच्छी तेज़ी है, 2.25% ऊपर, 205 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है और कहा यह गया है कि 2026 तक कंपनी की मार्केट कैप जो है वो डबल हो सकती है, तो काफ़ी बुलिश स्टेटमेंट जो है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से आया हुआ है। आपका नज़रिया, खैर 2026 का नहीं है, आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, तो पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह निकल के आ रही है। अरुण सर आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, शेयर एक अप ट्रेंड में है और इसे कहते हैं एक शानदार मूव इसने पिछले करेक्शन जो हुआ था वहां से दिया है, एवरेजेस पे सपोर्ट लेकर शेयर चल रहा है। इन्होंने जिस भी भाव में निवेश किया है इन्हें कुछ न कुछ फायदा हो रहा है, क्योंकि शेयर लगातार पिछले एक महीने से बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से इन्हें किसी भी हिसाब से चिंतित होने की दरकार या आवश्यकता नहीं है। आपके मन में जो टारगेट है उसको लेकर चलिए, और जब भी आपको डर लगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक जो एक हथियार कहते हैं उसे इस्तेमाल करें। ठीक, आकाश तोमर जी की टिप्पणी आई है, प्रश्न आया है सर, कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, नमस्कार आपको भी तोमर साहब, कह रहे हैं कि मैं जर्मनी से हूं और जर्मनी में भी आपका शो काफ़ी फेमस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जर्मनी से भी कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे होंगे कि हम कि आप अच्छे प्रॉफिट भी कमा रहे होंगे। वरुण बेवरेज के ऊपर इनका प्रश्न है कि वरुण बेवरेज में क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लंबी अवधि का इनका नज़रिया है। हालांकि इनके एक दो सवाल और हैं, लेकिन आकाश जी थोड़ा उसको बाद में डिस्कशन में ले आएंगे, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। वरुण बेवरेजेस पे सर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, अभी की अगर हम बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 1430 रुपये का, 0.25% के आसपास की मजबूत गिरावट जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? पिछले एक महीने में थोड़ा सुस्त चाल रही है शेयर में, लेकिन शानदार रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, ये अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं और लंबी अवधि का नजरिया है। विपुल जी,
गर्मी की सीजन शुरू हुई है और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो ये कंपनी बनाती है, पानी भी बनाती है, पेप्सिको का सबसे बड़ा बॉटलर है देश भर में, और इसके अलावा कुछ भारत के बाहर भी कुछ बॉटलिंग करता है। मेरे ख्याल से अच्छे समय इनके लिए ये सीजन में आते हैं, और इनका जो जून की जो तिमाही के नतीजे होते हैं वो साल भर के सबसे अच्छे नतीजे होते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, शेयर में एक तरह का साइडवेज मूव देखने को मिला है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद शेयर ऊपर गया है, निवेशित रहिए, बेटर भाव आपको आने वाले समय में मिलेंगे। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी को लेकर के आते हैं, और ये सवाल हमें आया है सर दुबई से, और जरा प्रश्न जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, चूँकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो उनका सवाल आया है, तो सवाल हम अवश्य जो है डिस्कशन में ले लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है आमिर साहब का, दुबई से हैं, कह रहे हैं कि 150 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं बंधन बैंक के, और ये 196 रुपये के भाव पर खरीदे हुए हैं। और आपको ये बता दें, कल हमने एक स्पेशल कार्यक्रम जो है अलग से रिकॉर्ड किया था बंधन बैंक को लेकर के, तो उस पर अगर आपको और डिटेल्स जाननी हो तो वो आप कार्यक्रम भी देख सकते हैं, लेकिन अभी की राय आपको दिला देते हैं। 196 पे लिए हैं सर, कंपनी के सीईओ ने जो है वो रिज़ाइन किया था, और उसके बाद से जेफरीज की तरफ से रेट का टारगेट कट जो है 40% नीचे जो है टारगेट जो है वो जो है नीचे कर दिया गया है। उसके बाद से हम देख रहे हैं शेयर में दबाव था कल काफ़ी अच्छा खासा, आज भी शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है जब इस तरीके से जब कंपनी के सीईओ वगैरह रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद से थोड़ा दबाव देखने को मिलता है, इनकी खरीद 196 की है, 10-12 रुपये के नुकसान पे हैं, तो क्या एक बार के लिए क्योंकि सेंटीमेंट खराब हुआ है लॉस बुक कर लें, या आपको लगता है कि बने रहना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इन्हें निकल जाना चाहिए बंधन बैंक से। बंधन बैंक का जो प्रदर्शन है इश्यू आने के बाद शुरू में अच्छा रहा था, उसके बाद में लगातार ये शेयर का प्रदर्शन खराब हुआ है, और अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर की तरह से बात करें तो इस शेयर ने कोई रिटर्न नहीं किया है। मेरे ख्याल से जो सीईओ जा रहे हैं इनके ये एक नेगेटिव न्यूज है कंपनी के लिए, और इस कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है पिछले 2 साल में, और ये कहा जा सकता है कि आज कंपनी को कोई आदमी को खोज कर रेकमेंड करना पड़ेगा आरबीआई के अप्रूवल के लिए, रजामंदी के लिए, कि भाई ये आदमी आगे जाकर सीईओ बनेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे, क्योंकि अब आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही एक नया सीईओ इस कंपनी में आ सकता है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कंपनी के लिए काफी मुश्किल समय आने वाला है, तो इसमें छोटे मोटे निवेशक जिनको हाई रिस्क नहीं लेना है वो निकल जाए, वही बेहतर रहेंगे। और 200 रुपए के प्राइस को लेकर अगर 125, 130 अगर शेयर का भाव आ जाता है तो कोई ताज्जुब नहीं होगा अगले 1-1.5 महीने। तो निकलने की सलाह है। देखिए जेफरीज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि 170 रुपये तक ये शेयर जो है जाता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि कहा गया ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ की तरफ से गलत समय पर इस्तीफा हुआ है, बैंक के शेयर को अंडर रिव्यू कैटेगरी में ऐसे ऐसे सिक्योरिटीज़ ने रखा हुआ है, जेफरीज ने तो डाउनग्रेड कर ही दिया है। तो ये राय निकल करके आती हुई, और झटका है चंद्रशेखर घोष के एमडी सीईओ पद से इस्तीफा देने से, अंडर परफॉर्म रेटिंग कर दी है बाय रेटिंग से घटा करके। तो ये वो तमाम घटनाक्रम है बंधन बैंक को लेकर के, जो घटनाक्रम घटा है और लक्ष्य जो है 170 रुपये कर दिया है। तो सलाह यही यहाँ पर अरुण जी की भी निकल के आ रही है, निकल जाइए आप, क्योंकि यहाँ पर भविष्य जो है बहुत उज्ज्वल दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इस बीच जरा सबीहा सैयद जी का सवाल ले लेते हैं, और करिए दोनों सवाल ले लीजिए, लेकिन मैं माफ़ी चाहेंगे एक ही सवाल लेते हैं, क्योंकि समय अब बजिंग स्टॉक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम चाह रहे हैं 2-4-5, 2-1-2 सवाल और ले लें। वोल्टास के ऊपर आपका प्रश्न अवश्य ले लेते हैं, और वोल्टास में इसलिए भी ज़रूरी है, वोल्टास पे कल हमने बजिंग स्टॉक्स में भी इसको डिस्कशन में हमने रखा था, और कंपनी ने 20 लाख एसी जो है वो चौथी तिमाही में बेचे हैं, और काफ़ी शानदार प्रदर्शन जो है वो निकल करके आया है कंपनी का। FY24 में काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा है, आप देख सकते हैं क्या शानदार मूव, कल भी अच्छी तेजी, आज भी 1.5% ऊपर 1326 पे मैं इस समय चलता हुआ, और इन्होंने ले रखे हैं
1152 पे, तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है सर, तो क्या अभी होल्ड करना चाहिए वोल्टास को, क्या सलाह रहेगी? 200 रुपए के आसपास, सब 125 के आसपास के प्रॉफिट में पर शेयर ये बैठी हुई है। देखिए, ये जो तिमाही है एसी बनाने वालों के लिए या एसी बिक्री करने वाले कंपनी के लिए बेस्ट क्वार्टर होता है, तो मेरे ख्याल से मार्च के नतीजे आने बाकी हैं और जून के नतीजे भी अच्छे रहेंगे। निवेशित रहिए और जब भी डर लगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आपके लिए यही सबसे बढ़िया राय रहेगी। जी, ट्रेलिंग स्टॉक प्लस लगाने की सलाह दी जा रही है। इस बीच सर, नेहा सिद्दीकी जी का प्रश्न SJVN को लेकर के आया है, एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जिस पर काफ़ी प्रश्न आते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर SJVN को लेकर के? आज 3% नीचे है, 131 का स्तर। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में, हालांकि टाटा पावर को अगर छोड़ दिया जाए तो NHPC भी डाउन है, SJVN डाउन है, बाकी भी डाउन चल रहे हैं शेयर। आपकी राय क्या रहेगी SJVN को लेकर के? सर, SJVN साइडवेज चल रहा है और अगर आप देखें तो ये जो एक पैक है NHPC, SJVN, ये सभी के सभी शेयर एक साथ चलते हैं, तेजी, मंदी, करेक्शन, साइडवेज सब में लगभग एक ही समय पर आते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो मेरे ख्याल से अगर आप इसमें निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, शेयर एक दो दिन या तीन चार दिन के बाद में कुछ अप ट्रेंड दिखा सकता है और इसके जो नतीजे आएंगे वो तिमाही के, उसके बाद में आप निर्णय ले सकते हैं कि आप निवेशित रहना चाहते हैं या नहीं। ठीक, एक और PSU कंपनी पे सवाल आया है, इनफैक्ट रितेश पाटीदार जी कह रहे हैं एक्साइड के बारे में, एक्साइड के बारे में अभी बजिंग स्टॉक्स में तुरंत डिस्कशन में हम जा रहे हैं तो उसमें आपको राय मिल जाएगी रितेश जी। ये कह रहे हैं BHEL के शेयर इन्होंने 500 ले रखे हैं 248 रुपये के भाव पर और कह रहे हैं मैं क्या करूँ। अरुण सर भी शायद वहीं से हैं, अरुण सर कोलकाता से, तो मैं पूछ लेता हूं सर आप कोलकाता से हैं क्या? जानना चाह रहे हैं कि मैं कोलकाता से हूं और मुझे लगता है अरुण सर भी वहीं से हैं। जी, मेरा जन्म कलकत्ते में हुआ था बट मैं रहता और बड़ा मुंबई में हुआ। तो सर आधे से ज़्यादा गेस्ट तो आपका सही है भाई, जहाँ जन्म हुआ तो वहाँ से जुड़ाव तो रहता ही है, तो आपका शहनवाज खान साहब बिल्कुल गेस्ट सही निकला। लेकिन अब आपका प्रश्न ले लेते हैं, 248 पे 500 शेयर ले रखे हैं और ये जानना चाहते हैं अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपकी राय जानना चाहते हैं सर। इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में जो रैली हुई थी उसी के साथ ये शेयर भी पीक आउट हुआ था फरवरी के आसपास, उसके बाद से करेक्शन हुआ और अब उस करेक्शन के बाद वापस ऊपर की तरफ चल रहा है। 5-7 दिन से शेयर साइडवेज में है लेकिन ये कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, कैपिटल गुड्स बनाता है, पावर क्षेत्र में बड़ा है, तो ये जो मार्च के तिमाही आएंगे ये कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अगर आपको होल्ड करने की जो कहते हैं, अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कीजिए, आपको आने वाले 10 से 25 माने एक महीने के अंदर आपको इससे बेहतर भाव इस शेयर में मिलेंगे।